हेलो गाइस, आज के हमारी व्लॉग वीडियो है गढ़धारा खोड़ियार और हम आ गए आज गढ़धारा खोड़ियार माता के दर्शन करने के लिए। और आज हम आपको इस मंदिर के बारे में कई सारी बातें बताएंगे जिसे शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, तो बने रहे हमारे वीडियो पर। और अब हम आ गए हैं गढ़धारा माँ खोड़ियार मंदिर के मेन गेट के अंदर। और यहाँ का अंदर का व्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी दुकानें भी लगी हुई जहाँ से आप माता जी के लिए श्रीफल, सुंदरी, हार जैसी वगैरह चीजें भी ले सकते हैं। और अब चलिए मैं अब आपको माता जी के मेन मंदिर की ओर ले जाता हूँ और माता के दर्शन भी करवाता हूँ। उससे पहले मैं आपके मंदिर के परिसर में मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटियाँ भी उपलब्ध है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम चलते आगे। आज यहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो भी भक्त माता के लिए स्लीपर और अगरबत्ती लेते हैं वो स्लीपर के साले यहाँ पर उतारते हैं। और यहाँ सामने की ओर माता जी को अगरबत्ती कर यहाँ पर स्लीपर की प्रसादी का सड़ावा चढ़ाते हैं। और यहाँ पर भोजनालय की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है जहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको सबसे पहले माँ खोड़ियार माता के दर्शन करवाने के लिए ले जाता हूँ। माता के गर्भगृह के पास में ही एक और मूर्ति भी लगी हुई है माता की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माता के जीवन काल की सारी तस्वीरें भी लगी हुई है जहाँ पर आप पढ़कर माता के इतिहास और उसके बारे में कई सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप मंदिर के परिसर में से सामने की ओर देखेंगे तो वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जहाँ पर माँ खोड़ियार माता का प्रागट्य स्थान भी है जहाँ पर राह नवगण के घोड़ों के पैर के निशान आज भी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको माँ खोड़ियार माता के प्रागट्य स्थान की ओर ले जाता हूँ और वहाँ का प्राकृतिक व्यू देखकर आपके मन को भी बड़ी प्रशंसा होगी। और वहाँ का वाटरफॉल इस जगह को सर शांत लगा देता है, यह नजारा बड़ा ही अद्भुत है। और अब चलिए मैं अब आपको माँ खोड़ियार माता के प्रागट्य स्थान की ओर ले जाता हूँ और मैं आपको खोड़ियार माता के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर यह माता का मुख्य स्थान है। यहाँ पर माँ गढ़धारा खोड़ियार माता का मुख्य स्थान है। यहाँ पर गुजराती कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ी बीस के दिन माता के प्रागट्य दिन को बड़े ही जोरों से मनाया जाता है। और आप भी यहाँ आना चाहते तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ के लोकेशन की लिंक दी हुई है। यह जगह थार सिटी से 9 किलोमीटर दूर है और अमरेली जिले से यह जगह की दूरी 42 किलोमीटर की है और जूनागढ़ से इस मंदिर की दूरी 83 किलोमीटर की है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए दोस्तों। और सामने की ओर देख सकते हैं वहीं पर राह नवगण के घोड़ों के पैर के निशान है जहाँ पर माँ खोड़ियार माता ने राह नवगण को दर्शन दिए थे। और वहाँ अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर अभी डैम के दरवाजे खुले हुए हैं, इसलिए पानी का प्रवाह काफी ज्यादा है, इसलिए वहाँ जाना मना है। और यह जगह लोगों को फोटोशूट के लिए बहुत ही पसंद आती है।
और अब चलिए मैं आपको खोड़िया डैम की ओर ले जाता हूँ। वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और मैं आपको पास में से दिखाता हूँ। और यहाँ पर कई सारे भक्त माता जी को लापसी की प्रसादी भी चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं और कई भक्त माता की मन्नतें भी पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये खोड़िया डैम है। ये डैम चतुर्जी नदी पर बना हुआ है। चतुर्जी नदी पर दो डैम बने हुए हैं, एक यहाँ पर और दूसरा डैम पालीताना सिटी में बना हुआ है। और आप इस डैम की सपाटी को देख सकते हैं कि यह डैम की सपाटी कितनी विशाल है। आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और जो भी यहाँ पर खोड़िया माता के दर्शन के लिए आते हैं वो सभी वाहन इस डैम पर से ही गुजरते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को शेयर करना दोस्तों।